लाइक वही बस मौके का फायदा उठा के पुशिंग करते नजर आ गई। गिल का काफी बेहतरीन टैप टैप शॉट, स्प्रे गॉड को वहां पे टिकन किया। जोनाथन ऑलरेडी काफी ज्यादा क्लोज नजर आ रहे हैं, उनके बल उनका पुशिंग है यहाँ पे काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। लेट्स सी क्या गोडल यहाँ पे इस फाइट को कंट्रीब्यूट आउट करते नजर आएगी। फिलहाल के लिए टीम 7C के प्लेयर्स मुश्किलों में जरूर से देखने को मिल रहा। स्ट्रैंकी विल टेक द नल्ट्रॉन, वही नेक्स्ट पार्क मुश्किल में नजर आएगी। जोनाथन के हाथों में वो ग्रेनेड, गिगल चेंज कर सकता है, जी हाँ बिल्कुल चेंज करेगा, स्प्रे गॉड को टेकन करेगा। इस पावर पुशिंग कर चुके हैं, देखते ही देखते विद इन द स्नैप यहाँ पे टीम गॉड नॉट्रॉन K47 OP हमें देखने को मिलेंगे। बट वही पे जोनाथन इनकी वेपन इनकी गन आज रुकने का नाम नहीं ले रही है। बैक टू बैक कुछ फिनिशर्स पॉइंट सिक्योर करेंगे, टोटल 4 फिनिशर्स पॉइंट टीम गॉड के पास आ चुके हैं। बस और बस 7 मिनट हुए रश है, 7 मिनट में 4 फिनिशर्स पॉइंट आ चुके हैं। 1/4 मैच कहीं के कंप्लीट हो चुका है, अभी भी यहाँ पे काफी लंबा सफर बचा है। लेट्स सी कि टीम गॉडल अब इस लंबे सफर को किस तरह से यूटिलाइज करेगी। देखिए मैं बोलना चाहूंगा, सफर जितना लंबा हो उतना ही ज्यादा सुहावना होता है, और देखते हैं इनके लिए जो सफर है वो कितना ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन टीम गॉड लाइक के प्लेयर्स बिल्कुल व्हीकल्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक बार वापस एक ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इनके काफी ज्यादा करीब है, तो एक ये 4v4 की फाइट अगर हो जाए ना तो और हमारी दर्शक के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा। बट चलिए, इस दौरान जोनाथन के ऊपर शॉट्स आना चालू हो चुके हैं। जोनाथन एक बार वापस से रीग्रुप करना चाहेंगे अपनी टीम के साथ, लेकिन ऊपर से मान्या प्रेशर बिल्ड करते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन जब बात आ जाएगी टीम एक्सपाक के प्लेयर्स की, वो भी थोड़ा सा दूर है, और देखा जाए तीनों POV में जहां पर एक तरफ टीम ई स्टार्स है, दूसरी तरफ टीम एक्सपाक है, और तीसरी तरफ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एंड एज वेल एज टीम गॉड लाइक के प्लेयर्स है, तो काफी ज्यादा जद्दोजहद हमको देखने को मिल रही है इस मैप के हर एक कोने में। यहाँ पर टीम्स कुछ ना कुछ जो प्रयास है वो कर जरूर रही है। एक चीज अगर आप देखें कॉमन रश हर जगह आपको कहीं ना कहीं टीम से नजर आ जाएंगे। सोल गॉब्लिन की बात कर लीजिए, ट्रेड निकालना चाहते हैं अच्छी तरीके से, जो फाइट्स है वो भी लेना चाहते हैं, बट ओ माय गॉड नियो यहाँ पर उड़ती हुई व्हीकल यहाँ पर लेकर जाएंगे। लेकिन इंसोल के तरफ से जोनाथन के ऊपर हल्का फुल्का जो डैमेज है वो देखने को मिलेगा। अक्षत के ऊपर जो शॉट्स है ये टीम लेती हुई नजर आ रही है, जोनाथन ने जरूर स्पॉट आउट करा है, लेकिन गॉब्लिन नियो पर जो है पूरी तरीके से प्रहार करेंगे, जिसके चलते एक बार फिर से आमने सामने ये दोनों दिग्गज टीमें टीम सोल वर्सेस टीम गॉडलाइक यहां पर इनिशिएट होता नजर आ रहा है। गॉब्लिन टेक डाउन कर देंगे नियो को, लेकिन क्या जोनाथन बचा पाने में सक्षम हो पाएंगे। बट फिलहाल अभी के लिए खुद को बचाना एक बहुत बड़ा टास्क इनके अगर आ रहा है, क्योंकि टीम सोल के प्लेयर्स एनक्लोजर कर रहे हैं, लेकिन गिल का ये ऑफ गार्ड एंगल कर देगा और ओमेगा को टेक डाउन, जिसके चलते ये फाइट को डिले आउट करते नजर आ रहा है ये प्लेयर। और टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम सोल एक ऐसी सिचुएशन में आगे खड़ा है जहां पर कोई भी टीम का जिसकी मतलब एक बिल्कुल जो पलड़ा है ना वो दोनों ही टीम का बराबर सा है बोला जा सकता है। लेकिन हेक्टर आगे जाएंगे, जोनाथन को करेंगे टेक डाउन एक 1v1 के ट्रेड में, और टीम सोल एक बार वापस से स्पाइक में अपर हैंड लेती नजर आ रही है। यहाँ पे काफी बेहतरीन तरह से अपर हैंड जरूर से, लेकिन गॉडल यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलों में हमें जरूर से नजर आ रही है। फिलहाल के लिए आई बिलीव इन मुश्किलों का सामना अगर आप कर पाए तो वो ज्यादा बेहतर, वरना एलिमिनेशन यू कांट अफोर्ड, क्योंकि आज मैचेस टीम गॉडलाइक के काफी ज्यादा बेहतरीन गए हैं। यहाँ से अगर आखिरी मैच अच्छा जाता है तो ओवरऑल स्टैंडिंग्स में खुद को काफी बेहतरीन पोजिशन पे पाएंगे। बट अभी भी गिल एंड नियो हमें जरूर से नजर आ रहे हैं। लेट्स सी कि गिल यहाँ पे क्या कमाल करके दिखा पाएंगे। बल गिल को भी पिक ऑफ कर जाएगा एस पावर एंड नियो पे, अब सारा दारोमदार हमें कहने के यहाँ पे देखने को जरूर मिल रहा है। लेट्स सी कि अब यहाँ पे प्लेयर्स एंड टीम्स का क्या अप्रोच निकल के आता है। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर नियो के ऊपर भी जो शॉट्स है वो लिए जा रहे हैं। अक्षत यहाँ पर एक चीकी एंगल से यहाँ पर शॉट लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ टीम सेल्स के प्लेयर्स भी जो कनेक्शन है वो बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन एस पावर के हाथ में एक बार वापस से ग्रेनेड, क्या ये ग्रेनेड अक्षत की दिक्कतें बढ़ाएगा? जी नहीं, अक्षत एक सही टाइम पे यहाँ पर पीछे हटेंगे, अन्यथा यहाँ पर मुश्किल में यहाँ पर फंस जाते हैं। लेकिन एस पावर वेट कर रहे हैं, हायर ग्राउंड का एडवांटेज उठाना चाहते हैं अपनी AKM के साथ, थोड़ा सा सप्रेस जरूर करना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे। सप्रेसर लगा हुआ है, रेड डॉट लगा हुआ है, एक एक करके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा, एक गलती सी अनवांटेड पीक या एक छोटी सी मिस्टेक टीम गॉडलाइक को इस मैच से काफी ज्यादा दूर लेके जा सकती है। और टीम सोल के प्लेयर्स अभी के लिए गॉब्लिन का ये ग्रेनेड हायर ग्राउंड से इस पावर की दिक्कतें बढ़ाएगा। नियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीछे है, लेकिन कवर फायर देना होगा, लेकिन नियो ने काफी ज्यादा डैमेज ले लिया अपने ऊपर, इस पावर भी कर दिए।